बीजेपी के सीनियर नेता यशवंत सिन्हा काफी दिनों से अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। सिन्हा लगातार मोदी सरकार पर हमले बोल रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार सरकार भी परेशानी में नजर आती है। पहले ही सरकार को घेर कर परेशानी में डालने वाले सिन्हा अब सरकार को और ज्यादा मुश्किलों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार को सिन्हा ने कहा कि अब वो सरकार में किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करेंगे और खुलेआम अपनी बात रखेंगे। दरअसल सिन्हा ने पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन मोदी ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया, जिसके बाद सिन्हा ने सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रखने की धमकी दी है। सिन्हा ने मोदी और शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि आडवाणी और अटल के दौर में बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता भी बिना किसी अपॉइंटमेंट के पार्टी प्रेसिडेंट से मिल सकता था, लेकिन आज सीनियर नेताओं को भी मिलने का वक्त नहीं दिया जा रहा है। सिन्हा ने कहा कि उन्होंने 13 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन वो उन्हें आज तक नहीं मिले, इसलिए वो सरकार में बैठे किसी व्यक्ति से बात नहीं करेंगे और पब्लिक में अपनी बात रखेंगे। आपको बता दें कि सिन्हा ने गुजरात चुनाव से ठीक पहले अर्थव्यवस्था पर सरकार की आलोचना करके मोदी सरकार को घेरा था। अब सिन्हा दोबारा सरकार पर आरोप लगाएंगे तो मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।